सो ये गाइज कैसे आप सभी सनी प्रे दिस साइड। आज की वीडियो में गाइज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आप पबजी की लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो यूट्यूब या फिर फेसबुक पे। आपने देखा होगा कैरी मिनाटी या फिर आपने देखा होगा डायनमो की तरह लाइव स्ट्रीम आप भी करना चाहते हो अगर फेसबुक पर, या फिर गाइज आप करना चाहते हो यूट्यूब पर, तो आप अपने स्मार्टफोन से कैसे पबजी की लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। गाइज उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर डिस्क्रिप्शन पे आप जाओगे वहां पे लिंक मिलेगा, डायरेक्ट आप यहां पहुंचोगे। अगर आपने सर्च करना है तो आप लिखो OMLETARCADE, ठीक है, आप इस तरीके से लिखो और ये एप्लीकेशन आप लोग के सामने आ जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने भी नहीं किया तो फटाफट से आप भी इंस्टॉल करो। चलो 18.38 MB की ये एप्लीकेशन है। वाओ इतना अच्छा नेट स्पीड मिल रही है, 62% हो चुकी है। जब तक ये इंस्टॉल होती है गाइस तब तक आप जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी पबजी ग्रुप में इस वीडियो को फैला दो गाइस, जो सबके सब अगर जिन्होंने लाइव स्ट्रीम करनी है वो सारे सीख जाए इजीली तरीके से कि कैसे लाइव स्ट्रीम होती है अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। या इस एप्लीकेशन की जो मदद से आप ऑडियो प्लस दोनों ही, जैसे हम गेम में खेलते हैं गेम की साउंड भी आपके पास लाइव स्ट्रीम में जाएगी और जो आप वॉइस के थ्रू बोलते हो वो भी आपके स्ट्रीम में शो होगा। ठीक है, अभी हमने इंस्टॉल कर दिए तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। काफ़ी इजी चलाना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इसके अंदर बहुत सारे आइकन दिखेंगे आपको। ठीक है, आपने क्रिएट अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी स्किप करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसे क्या करना है सब कुछ मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, इसको हम लेटर करते हैं। ओके, देखिए गाइज यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग लाइव स्ट्रीम करें। अभी हमने क्या करना है, नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है आपको बिल्कुल नीचे, देखो उस पर हमने क्लिक करना है प्लस के आइकन पे। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो गो लाइव लिखा हुआ है, हमने गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अब इसके बाद हमने सेटिंग में जाके इसे इनेबल कर देना है, परमिशन दे देनी है अंदर जाके। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, इसे हम इनेबल कर लेते हैं। यहाँ ऊपर देखो ये डिसेबल होगा, इस तरीके से आपको दोबारा क्लिक करके इनेबल करना है। और एक बार हम बैक आ जाते हैं दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज़ वेट चेक करो। ओके ओके, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इसे हम परमिशन दे देते हैं, यहाँ से ये बंद होगा क्या हुआ सेटिंग में, इसे हम एक्सेप्ट। ओके, सेकंड पर भी एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे जाके दोनों पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, शो लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में हमें शो करना है। ठीक है, चलता रहेगा। और बैकग्राउंड में हाँ सब मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे देखो जितने भी हो गए टिक 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 लगे रहना चाहिए सब पे और हो जाएगा। ठीक है, फिर से बैक आना आपने और गॉट इट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम क्लिक करके वेट करते हैं। ओके हाँ, ठीक है, दोबारा से हम प्लस पे जाएंगे, गो लाइव पर और इनेबल हमने कर दिया है फिर से। चलो एक बार दोबारा से करते हैं, दोबारा से हमारे को सेटिंग पर ले गया कि इनेबल करो। अभी हमने यहाँ पे एप्लीकेशन ढूंढनी है। ओके, यहाँ पे हमें मिल चुकी है, यहाँ पे गए और परमिशन को एक्सेप्ट करके अलाउ करके फिर बैक कर लो गाइस, एक बार फिर से बैक कर लो। ओके, अब दोबारा से प्लस पे गए, अलाउ कर दो, माइक ऑन चाहिए हमारा कैमरा। अगर आप लाइव स्ट्रीम करते समय अपना फेस शो करना चाहते हैं तो आप इसे अलाउ करो, अगर नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, वैसे अलाउ करना आपने, बाकी कुछ मत करना। अभी लॉगिन करना है, कोई ना कोई अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना है हमने किसी ना किसी चीज़ से। जैसे हमने फेसबुक पर अकाउंट, फेसबुक पर लाइव जाना है तो अकाउंट लगेगा ही लगेगा, या फिर यूट्यूब पर लाइव जाना है तब भी अकाउंट लगेगा लगेगा। तो हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर जाते हैं, एंटर यूज़र आईडी। ठीक है, ओके, सो गाइज मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया SUNNYPERHATE। ओके, तो अभी मैं पिक सेलेक्ट यहीं से करता हूँ। ठीक है, कोई भी लगाते हैं ये वाली पिक और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं गाइज। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ऊपर भी यहाँ पे पॉपअप शो हो जाता है लाइव स्ट्रीम का। ये देखो गाइज ये वाला यहाँ पे दिया है, रिकॉर्डिंग का दिया है, लाइव स्ट्रीम का दिया है। ठीक है, ओके, तो अभी हमने यहाँ पे देखो कर दिया। अब हमने कौन सी करनी है, पबजी मोबाइल पहले नंबर पे सेलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू किया। ठीक है, ये हमने पबजी मोबाइल की यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। ओके, चेकआउट। ओके, चेकआउट पे हम क्लिक करते हैं। हाँ, लाइव स्ट्राइक ये। ओके, हम बैक कर लेते हैं, ये इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको हम कट कर लेते हैं। ओके गाइज, हमने अकाउंट यहाँ पे फाइनली क्रिएट कर लिया है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब हम करते हैं दोबारा से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक। अब इजीली हम लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। अब हम लाइव स्ट्रीम, अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, गो लाइव पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने पबजी मोबाइल, ये देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है, पबजी मोबाइल पे हमने लाइव स्ट्रीम करनी है। तो हम क्लिक करते हैं पबजी मोबाइल पे। अब ये पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है आपने किस चीज़ पर यहाँ पे आपने पबजी मोबाइल लाइव स्ट्रीम करनी है। अगर हमने देखो गाइज लॉगिन, अगर हम फेसबुक पे करते हैं तो आप नीचे यहाँ देखो फेसबुक पे लॉगिन करना है, क्लिक करना है आपने इस पे लॉगिन करना। अगर यूट्यूब पर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है तो हम यूट्यूब पे, चलो मैं बता के दिखाता हूँ, ऐसा आपको पता नहीं लगा। फेसबुक यहाँ पे ओपन करके रखे तो हम फेसबुक से यहाँ पे लाइव जाएंगे, तो हम मैंने फेसबुक इनेबल कर दिए और उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। गाइज एक मिनट, मैं वीडियो चेक कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ओके रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे ही मैं लाइव जाऊंगा, क्योंकि इसी फोन से मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और लाइव भी जाऊंगा, जैसे मैं लाइव पे क्लिक करूंगा तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो अब हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद आप यहाँ पे थीम देख सकते हो, मैं एक मिनट वॉल्यूम कम करता हूँ फ़ोन की पहले। हाँ ओके, अभी आप यहाँ पे गाइस देख सकते हो, अगर आप इसे यहाँ से इनेबल करते हो तो यहाँ पे आपका, जैसे आपने देखा होगा कैरी मिनाटी के लाइव स्ट्रीम के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, साइट में सुपर चैट वगैरह भी आ रहा होता है, बहुत कुछ अलग अलग तरीके से हो रहा है। ये मैं बता रहा था जैसे कि कैरी मिनाटी के ऊपर होता है लिखा, यहाँ देखो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेम में ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। ये पेड वाला है तो हम फ्री वाला यूज़ करेंगे, ये वाले गाइस सारे फ्री के। ओके आगे आगे चलो, एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट पे अभी क्लिक करूंगा तो शायद जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी, फिर मैं चलो स्टार्ट करता हूं। और हाँ, एप्लीकेशन तो बहुत सारी है गाइस जिसमें आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो इजीली तरीके से, बट जो ये वाली एप्लीकेशन है इसका ये फ़ायदा है कि आपकी वॉइस प्लस साउंड, जो गेम की साउंड होती है फायर जो हम चलने वाली, वो सारी रिकॉर्ड हो जाती है। इसके साथ साथ इस एप्लीकेशन का ये फ़ायदा है कि दोनों वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, फायर वाली भी और हमारी वॉइस वाली भी। ओके हम स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, अब देखता हूँ अगर तो चलेगी तो मैं कंटिन्यू आपको दिखाऊंगा, अगर नहीं चलेगी तो मैं आपको रिकॉर्ड उसके बाद करता हूँ। ओके मैंने गाइस स्टार्ट पे कर दिया और मैं साथ में चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ओके अभी तो कंटिन्यू है रिकॉर्डिंग, ठीक है अभी तो कंटिन्यू चला है। ओके अभी यहाँ पे भी टाइमिंग ले रहा है, स्टार्ट इज अबाउट। ओके थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे भी। ओके गाइस ये देखो 3 2 1 और स्टार्ट, यहाँ पे हमारी जो लाइव स्ट्रीम। ओके सो गाइस जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई उसके बाद हमारी जो रिकॉर्डिंग थी वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो अभी मैं बाद में एडिटिंग करते टाइम ये वॉइस डाल रहा हूँ। अभी इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना, ओपन करना, अकाउंट क्रिएट करना, उसके बाद फेसबुक या यूट्यूब से लॉग इन करके आप लाइव स्ट्रीम इजी तरीके से कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक बनता है इसी बात पर, और इसी तरह की मोर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपसे कुछ हो नहीं रहा या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।